इस समय जो बिक्री होगी जी, जिस समय कोल्ड खुलेंगे जी जी, मुझे लगता है कि लगभग 1000 के ऊपर बिकना चाहिए। अच्छा, इस कोल्ड को आप ये मत समझो कि ये भर जाएगा तो सभी भर जाएगा, वो नहीं। ना ना, हम तो सर्वे आलू आता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। इस समय किसान भाइयों हम मौजूद है अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज टिडियापुर में। किसान भाइयों, जैसा कि अलग अलग क्षेत्र में अपडेट निकल के आ रहा है, कोई बोल रहा है कोल्ड स्टोर भरेंगे, कोई बोल रहा है कोल्ड स्टोर आधे रहेंगे, कोई अलग अलग तरीके से किसानों की राय है, लेकिन आज अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज में हम आए हैं तो यहाँ पर किसान भाइयों एक चौंकाने वाली बात निकल के आई है। वो हम यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे पूरी बात जानकारी लेंगे। किसान अगर देखा जाए तो किसानों की अलग अलग राय पे और किसान काफ़ी भड़के हुए हैं। कोई बोल रहा है कि भैया आलू बेच लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए कोल्ड, आलू की आने वाले भविष्य में काफ़ी बदलाव होने वाला है। तो आज जो है इन्हीं सब बातों पे किसान भाइयों बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कोल्ड के मैनेजर साहब हैं, इनसे पहले हम जानेंगे कि कोल्ड स्टोरेज, देखिए अभी सुबह का टाइम है, अगर देखा जाए अभी 10:30 के आसपास का टाइम है और देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में लंबी लंबी लाइनें जो है आपको देखने को मिल रही होंगी। इधर देख सकते हैं चारों तरफ जो है गाड़ियाँ, सुबह के टाइम पे ही अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज में इतनी गाड़ियाँ सुबह सुबह आ चुकी हैं। अब बात करेंगे यहाँ की जो क्षमता कितनी है और आज के दिन अगर देखा जाए तो आलू कितना आ चुका है। तो भैया अपना नाम बताएं सबसे पहले हमें। विक्रम अवस्थी। भैया जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर आज के दिन देखें तो अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू आ गया है? 230 आ गया है। क्षमता कितनी है? 265। तो भैया हमें लगता है 30,000 पैकेट अगर आमदनी देखें तो आज की अगर देखें तो प्रतिदिन कैसे निकल रही है आमदनी? बिल्कुल ठीक निकल रही है, बढ़िया निकल रही है। 10-15 हज़ार आ रही होगी? नहीं नहीं, कितनी? 8 से 9 हज़ार। अच्छा, सुबह सुबह इतना आलू आ गया है, हमें लगता है ऐसी ही आमदनी आती रही तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और? नहीं सर, अभी 5 दिन ओनली, 5 दिन में कोल्ड फुल जी। ये बात है। तो भैया अपने यहाँ जो है काफी किसान भी जुड़ा हुआ है और किसानों की एक और राय है, कई किसान ऐसे बोल रहे हैं कि भैया कन्नौज में इस बार कोल्ड भरेंगे नहीं, अपना कोल्ड तो भर गया जी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में ये कहना चाहेंगे आपसे कि हमारा जो आलू आता है वो काफी चारों तरफ से आता है जी, और हम अपनी जो जिम्मेदारी रखते हैं किसानों के प्रति जी, उनकी देख रेख अच्छी तरीके से, उनका आलू स्टॉक अच्छी तरीके से कि जैसा आता है वैसे माल निकाल के दे जी, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जी। तो अच्छा, ये है कि गुडविल जो है कोल्ड स्टोर की बनी हुई है और उसी से किसानों का भरोसा भी है। बिल्कुल। तो भैया अपना देखा जाए तो अपने यहाँ ऊर्जा भी है क्या? जी, ऊर्जा चैम्बर है। ऊर्जा में कितना है कभी? प्रेजेंट टाइम ऊर्जा में लगभग 20,000 बोरी है। 20,000 बोरी है जी। अच्छा, तो हमें लगता है कि 5 दिन में आप नहीं तो 10 दिन मान के चलते हैं, लेकिन कोल्ड तो पूरे तरीके से फुल होना है। ये तो अभी लिख गया है, ये तो आपने देख लिया? बिल्कुल देख लिया, अंदर की पोजीशन भी किसान भाई आपको दिखाएंगे, आपको एहसास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम आप देख भी सकते हैं पीछे लाइन लगी हुई है और गाड़ियां जो है बराबर बारंदे में भी जगह नहीं है। तो ये जो है पूरे तरीके से हमें लगता है भैया अपना माहौल पिछले साल जैसा ही माहौल है एकदम। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल वही माहौल चल रहा है। अब किसान भी हैं काफी हमारे साथ में, इनसे ही बात करते हैं। दादा किस गांव से हैं? कौन? अरे हम तो कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी हैं। भैया आप बताएं किस गांव से हैं? बेलापा झबरा। अच्छा, झबरा गांव से हैं। तो भैया अपने यहां बताएं कि आलू की पैदावार कैसी क्या निकल रही है? हमारे यहां तो गेहूं खेती होती है, आलू कम होते हैं जी। अच्छा, तो आलू मतलब कि होते होंगे ना थोड़े बहुत? कम कम होते हाँ। तो पैदावार दादा कैसी निकल रही है? पैदावार डाउन चल रही है। पैदावार डाउन है पिछली बार से? पिछली बार से इस बार मतलब डाउन चल रही है, उतना प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन में 10-15% माइनस है? हाँ, 15% तो मान ही लीजिए, मान लीजिए। अच्छा, अपने पूरे क्षेत्र की अगर बात करें? हम अपनी पूरी बेल्ट की, पिछली साल 50 था, इस साल 35 का मानी है उसका। हाँ, के हिसाब से जो 50 निकलता था जी जी जी, इस समय 35-40 के आसपास, 35-40, 35 से ऊपर नहीं है। किसी का अगर 40 निकल रहा, किसी 30 निकलो तो 35 आ गया रेशियो पूरे क्षेत्र का। अच्छा, इस बार जो है पैदावार कम है, कोल्ड स्टोरेज ज्यादा है और भरेंगे भी, तो लगता है कि व्यापार आलू का बढ़ेगा। तो भैया क्या लग रहा है 2024 में किसानों को लिए उज्जवल है आलू का भविष्य? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखा रहा है। मुझे ये लगता है कि इस समय जो बिक्री होगी जी, जिस समय कोल्ड खुलेंगे जी जी, मुझे लगता है कि लगभग 1000 के ऊपर बिकना चाहिए। 1000 के ऊपर तो बिकना ही चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए अगर तो व्यापारी जो 800 रुपए पैकेट अगर आज का देखें खरीद रहा है, कोल्ड का वो प्लस सब कुछ जोड़ के लगाएगा वो तो 1000 अभी हो गया है ना, हो गया। बाहर का व्यापारी कोई लेगा वो 1000 तो उसको अभी बढ़ने पड़ने हैं। अब ये है, हमें लगता है कि 1000 प्लस जैसे कि आपने बताया है तो अच्छा खासा रेट जो है किसानों को मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज शुरुआत, किसानों के काफी चेहरे खिलेंगे। बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी और दिखेगी बराबर। अच्छा भैया,
लगता है दादा कि पिछली बर्फ वाला जो घाटा हुआ है इस बर्फ जो है निकलने के थोड़े बहुत चांसेस है? हाँ, बिल्कुल है, चांस तो है, फिर आगे भविष्य जाने, भविष्य जाने। अच्छा, भाव मीच बरसा जानी नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये है, एक एक आंकड़ा और लग रहा है कि जितना रेट अभी चल रहा है हमें लगता है इससे माइनस होगा नहीं। अब भैया ये तो वक्त बता सकता है, अभी से कहा नहीं कुछ जा सकता है, क्यों? कारण ये है, जी जी, उतार चढ़ाव होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जो जिस हिसाब से दिख रहा है आलू कोल्ड स्टोर की स्थिति के हिसाब से दिख रहा है भाई, अपने यहाँ केवल नहीं किसी प्रांत में आलू कम आए जी जी तो आलू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी 15% माइनस है, इसीलिए रेट सही मिल रहा है। गुड बिल अलग है जी जी, अदर कोल्ड है, और फिर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में 25-26 कोल्ड तो नए तैयार है जिन्होंने माल लिया जी जी। अच्छा, हिस्सा तो उनका भी बनता है, 60 कोल्ड है अपने। हाँ हाँ बिल्कुल, 66 कोल्ड। अच्छा, इस कोल्ड को आप ये मत समझो कि ये भर जाएगा तो सभी भर जाएगा, वो नहीं। ना ना, हम तो सर्वे करते हैं, अगर एवरेज निकालेंगे नए कोल्ड स्टोरेज में, किसी में तो अभी 30,000 आया, किसी में अभी 85,000 आया, मतलब कि 50% के नीचे ही है, 50% के ऊपर जो है। हाँ, 2-3 हजार हुए उनने अपने दूसरे में शिफ्ट कर दो, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। शिमला कोल्ड स्टोर तो बंद हुए हैं, तो कारण ये भी है, कई एक बंद है। क्या करे, उन्होंने 5,000 कोल्ड चलाए। यहाँ की बात रही जो आप कहते हो, मतलब 4 दिन विक्रम भाई ने कही जैसे भर जाएगा, 5 रोज ज्यादा से ज्यादा जी जी। लेकिन बात वही है, इस कोल्ड की गुडविल अदर कोल्डों के मतलब इमेज के ऊपर है, कौन कितना माल मतलब जी जी। किसान अच्छा, किसान भी यहाँ हमें लगता है इस कोल्ड से काफी दूर दूर से जुड़ा है, बहुत संतुष्ट है और जुड़ा भी बहुत। 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर। तो दादा आप सभी लोग अपने क्षेत्र में हैं? बेला क्षेत्र। अच्छा, बेला क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जाते हैं बिधुना तक का आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया व्यापारी हैं दादा, आप व्यापारी हैं क्या? व्यापारी नहीं है। अच्छा मैनेजर साहब, आज का रेट बता दें और थोड़ा क्या रेट चल रहा है? 700 रुपए पैकेट। 700 रुपए पैकेट चिप्सोना का? चिप्सोना हो चाहे हाईलैंड हो। अच्छा हाईलैंड, तो हाईलैंड और चिप्सोना हमें लगता है लगभग जो है बराबरी चक्कर पे है, एक ही रेट में। अच्छा खेत से जो आलू 800 रुपए पैकेट बिक रहे हैं तो ये सच है? मतलब कि हम जाते तो हैं, बिके भी हमने देखे हैं। नहीं, शिवराम मंडी जैसे बताती है। हाँ, शिवराम मंडी हम भी जाते हैं, शिवराम मंडी। हाँ, अब किसान जिसको भंडारण करना है कोल्ड ले आता है, और जिसको जाना है वो जाता भी है। बिल्कुल। अच्छा ये है कि पैकेट की जो भर्ती होती है उस पर भी कुछ बिक्री डिपेंड होती है? भर्ती थोड़ी डेली रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा अगर ये हमें लगता है कि चमक के ऊपर। हाँ, बढ़िया आलू, नंबर एक क्वालिटी का, अगर छट्टा है और भर्ती। हाँ, 800 रुपए तक का, 58 केजी तक का मैक्सिमम बता दिया कि 700 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो किसान भाइयों अगर देखा जाए तो आज का ये अपडेट अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज से था, और ये तिरबा और कन्नौज रोड पे कोल्ड स्टोरेज पड़ता है। सुबह की अगर आपका अपडेट दिखाएंगे तो देखिए चारों तरफ गाड़ियां यहां पे लगी हुई हैं। इससे जो है लगता है भैया ने बताया 5 दिन बाद कोल्ड ये फुल मिलेगा, और इसके बाद भी जब फुल हो जाएगा तब भी हम सर्वे करने आएंगे। आपको बारंदे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, बारंदे से आप लोगों को एक आंकड़ा मिल जाएगा कि देखिए बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, और अगर यहां से देखेंगे तो चारों तरफ आपको देखिए चारों तरफ आपको आलू ही आलू नजर आएगा। बारंदा पूरे तरीके से फुल है, देख भी सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से चारों तरफ। आप देखिए यहाँ से लगेंगे यहाँ तक जो है लोडिंग करने का कार्य भी किया जा रहा है, भैया लोग काफ़ी लोग लोडिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरे बारंदे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, सांस नहीं है। तो इससे जो है भैया बिल्कुल जो जानकारी भैया ने दी बिल्कुल सटीक जानकारी है, 5 दिन बाद जो है ये कोल्ड स्टोरेज फुल मिलेगा, 5 दिन बाद इसका अपडेट भी किसान भाई।